हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, अनीता जी और बसंती जी के केस में फाइनली पुलिस केस हो चुका है और आप लोगों ने वीडियो में शायद देख भी लिया होगा कि पुलिस उनके जगह पर, यानी कि जिस जगह पर ये सब चीज़ें हुई, उनके घर पर मौजूद भी नज़र आई। वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ भी इकट्ठी थी और अभी बसंती ने अपनी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं और बहुत सारी चीज़ें देख के मैं भी शॉक हुई हूँ। मेरे भी दिल में बहुत सारे सवाल हैं और जैसे कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हम आके अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे एंड पे किसी भी क्राइम को सपोर्ट हो जाए। मैं क्राइम के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और क्राइम के हमेशा अगेंस्ट खड़ी रही हूँ। तो मैं गलती से भी नहीं चाहती कि गलती से भी जाने अनजाने मैं किसी भी क्राइम को सपोर्ट कर लूँ। और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आप गाँव के रहने वाले हो, चाहे आप शहरों के रहने वाले हो, छोटी मोटी लड़ाइयों को कभी भी नेग्लेक्ट और इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कि आप पे हाथ उठाने तक की नौबत आ गई हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। वेल, इन सब चीजों में आपने देखा कि वहां पे पुलिस भी मौजूद थी। अभी जो वीडियो बसंती ने पब्लिक करी है, वहां पे पुलिस भी मौजूद थी। और जब पुलिस से सवाल जवाब हो रहे थे, यानी कि पुलिस के साथ बातचीत हो रही थी लाला जी की फैमिली की, तो पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट दिया। अगर आपने वहां पे गौर से सुना होगा तो उन्होंने भी बोला कि इनको बचाने की वजह से उन्होंने डिफेंस किया, मतलब कि बसंती जी के साथ जो बदतमीजी हो रही थी उनको बचाने के लिए उनके भाइयों ने डिफेंस, मतलब उन्हें बचाने के लिए चीज़ें करी, लेकिन मारा पीटा नहीं। और मैं लाला जी का फर्स्ट टाइम मैंने ये रूप देखा। मुझे लगता था कि लाला जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, शायद वो बोलते भी नहीं है, क्योंकि व्लॉग में हमेशा से हमने अनीता जी को ही एक्टिव देखा है। तो हमें लगा था कि लाला जी तो कभी किसी ड्रामा, नौटंकी, कंटेंट या तेज़ आवाज़ में बोलना, लड़ना, झगड़ना उनका ये नेचर ही नहीं है, उनकी ये पर्सनालिटी ही नहीं है। लेकिन आज जो वीडियो में मैंने देखा वो मेरी सोच से बिल्कुल परे उनकी एक न्यू पर्सनालिटी मेरे सामने आई। चलो, मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ कि वो गुस्से में होंगे, लेकिन जो इंसान शांत स्वभाव का होता है वो गुस्से में भी चिक्कम चिल्ली नहीं कर सकता, उसका स्वभाव ही शांत होता है। लेकिन जो इंसान बोलना जानता है फिर वो हर कंडीशन में बोल सकता है। तो यहाँ पे लाला जी को फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा जिस तरीके से वो अपने पापा से लड़ रहे थे, उनको ये बोल रहे थे कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। साथ में अंजलि भी वहाँ पे बात कर रही थी और बोल रही थी कि झूठ क्यों बोल रहे हो, बताओ कि आपके बेटे को घसीटते हुए नहीं ले गए। लेकिन बातें बसंती के फेवर में ही थी, वो बार बार यही बोल रहे थे कि राशन के बोरे को बाहर फेंका जा रहा था, यानी कि कहानी का दूसरा पहलू बताया ही नहीं गया था। पहले दिन जब वीडियो आई उस वीडियो में ये बताया गया कि मारपीट हुई, लेकिन झगड़े का रीज़न क्या हुआ? सबके दिमाग में यही सवाल था कि अचानक से किसी को किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं कि वो सामने वाले को मारना पीटना शुरू कर देगा। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो प्रोवोकेशन हुई होगी, कुछ तो किसी ने किया होगा कि जिसकी वजह से सामने वाले ने अपना आपा खोया। तो वो चीज़ें अब पता चल रही हैं कि वहाँ पर सामान की तोड़म तोड़ी, सामान को बाहर फेंका जा रहा था, जिस एक्शन के रिएक्शन में चीज़ें निकली हैं। और ये पुलिस ने भी बोला है कि इनके बच बचाव में उनके भाइयों ने ये चीज़ें करी हैं। अब अभी मेरी पिछली वाली वीडियो के नीचे एक कमेंट भी आया है, तो वहाँ पे बसंती जी का कमेंट है जहाँ पे डेफिनेटली वो तो नहीं लिख रही होंगी, उनके बिहाफ में उनके बच्चे ही लिख रहे होंगे। तो उन्होंने एक बात और बोली कि ये जो झगड़ा है ना, ये राखी से 2 दिन पहले हुआ था और फिर सब अपने अपने काम में नॉर्मली लग गए थे। झगड़ा वगड़ा हुआ, बात ख़त्म हुई होगी, उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए थे, यहाँ से ये भी, यहाँ से वो भी। और इस बात का सबूत है कि जब अलमारी आई बिहारी माँ के घर पे, तो उनकी अलमारी रखाने के लिए सब लोगों ने हेल्प करी। तो कहीं ना कहीं ये मैटर नॉर्मल ठंडा हो गया था, लेकिन फिर 2 दिन के बाद, ये मैटर होने के 2 दिन के बाद एग्जैक्टली रक्षाबंधन वाले दिन ही वीडियो बनाई गई और रक्षाबंधन वाले दिन ही तैड़ फैड़ की गई। तो अगर ये मैटर सच में उठाना था तो फिर 2 दिन का इंतज़ार क्यों किया? और अगर 2 दिन का इंतज़ार करना था, चीज़ें दबानी थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को मैटर उठाना था?
है ना, क्योंकि अगर नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते हैं तो समझौता हो जाता है, तू तू मैं होता है कि चलो ठीक है अब अपना रास्ता देखो, अब अपना रास्ता देखो, ये हो जाती हैं चीज़ें। दो दिन तक शांत और रक्षाबंधन के दिन, त्यौहार के दिन ये सारा ड्रामा क्रिएट क्यों किया गया? अगर दो दिन तक सब नॉर्मली अपना काम भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वीडियो में ये बताया गया कि दो दिन से हमारा तो खाना भी गले से नहीं उतरा है, इतना ज़्यादा लाला जी डरे हैं, इतने ज़्यादा डरे हैं, मम्मी इतनी डरी है कि बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो बिहारी माँ की वीडियो उसमें तो किसी के चेहरे पर डर नहीं नज़र आ रहा है, कोई डरावा नहीं है, इनफैक्ट हेल्प कर रहे हैं। तो मैटर दबा था, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आया कि किसने क्या सुई चुबाई या क्या दिमाग चला कि फिर मैटर वापस से उठाया और वापस से वीडियोस वगैरह बना दी। वीडियोस बनाने के साथ साथ केस भी कर दिया। अब क्योंकि बसंती भी एक विधवा हैं, आप जानते हैं, दादाजी सीनियर सिटीज़न हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इनकी तरफ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि विधवाओं के लिए भी एक अलग चीज़ें होती हैं, एक अलग एक्शन होते हैं, और बुज़ुर्गों के लिए भी एक अलग एक्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें भारी भी पड़ सकती हैं अगर ये चीज़ें झूठी निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे चश्मदीद के नाम पे जितने भी लोग दिख रहे हैं उनमें से कोई लाला जी की फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जितने भी लोग वहाँ पे अभी वीडियो में हमने देखे, सिर्फ लाला जी के चार पाँच, लाला जी के दो तीन बच्चे और लाला जी की फैमिली, उसके अलावा कोई उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे बैठे हुए लोगों के साथ बदतमीज़ी भी की गई, ये हमने वीडियो में देखा, क्योंकि वो उनके फेवर में नहीं बोल रहे थे, और अगर यही लोग बाहरी लोग उनके फेवर में बोलते तो शायद इन लोगों को चाय पानी भी पिलाई जाती, बट क्योंकि बाहरी लोग इनके फेवर में नहीं बोल रहे थे तो इन्होंने बहुत रूडली उनके साथ बिहेव किया और उनको बोला कि आप यहाँ से जाइए, आपका यहाँ क्या काम है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, आप यहाँ से जाओ। तो पता क्या होता है, इंसान ना पैसा अपनी लाइफ में बहुत कमा लेता है, लेकिन इंसान कमाने भी उतने ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सुख दुख किसी ने नहीं देखा, और इन्हीं वक्त पे ना आपके कमाए हुए इंसान आपके काम आते हैं। कहीं ना कहीं पैसे कमाने की होड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में लाला जी औरों की सबसे बड़ी गलती ये रही कि इन्होंने इंसान अपने हाथ से गंवा दिए, और अगर शायद आज ये सच्चे भी होंगे तो इनके लिए कोई भी खड़ा होने वाला वहाँ पर नहीं है, इनके शायद नेचर की वजह से, और शायद ये नेचर इन्हें अपना पहले रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन आज अगर ये सच्चे भी होंगे तो आप बताइए कि इनके लिए कौन स्टैंड लेगा, कौन इनके लिए हाँ बोलेगा। इनके खुद के पापा इनके साथ नहीं हैं, इनके खुद के पापा इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बसंती जी के टाइटल में साफ लिखा था कि जो इंसान अपने पापा को गाली दे सकता है, उनको खाना पीना पूछता नहीं है, वो हमारे लिए तो कुछ भी कर सकता है। जो अपने पापा के साथ बदतमीज़ी कर सकता है, उनके साथ मार पिटाई कर सकता है। तो बहुत लोगों के दिल में हमेशा यही सवाल रहता था कि दादाजी बसंती से डरते क्यों हैं, उनके साथ क्यों रहते हैं। तो देखो, अगर हम उनका भी नज़रिया देखें ना, तो वो भी बहुत बुज़ुर्ग हैं, और इस समय वो किसी के ऊपर डिपेंड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं, और वो डिपेंड जिसके ऊपर हैं उन्हीं पे भरोसा कर पाएंगे ना, जो उनका साथ दे पाएंगे, उनको दो टाइम की रोटी खिला पाएंगे, और वो बसंती करती है। तो यहाँ पे दादाजी भी अगर स्वार्थी हो रहे हैं तो वो अपने लिए स्वार्थी हो रहे हैं कि अगर उन्होंने शायद सपोर्ट नहीं किया तो उनको तो कल रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। उनको इतना विश्वास ही नहीं है कि उनका दूसरा बेटा बहू उनको तीन टाइम की, दो टाइम की रोटी भी सुकून से खिला देंगे। तो शायद हो सकता है जो चीज़ें हुई भी हों वो भी चीज़ें वो नहीं बता रहे हैं। सारी चीज़ें डिपेंड देखो उन्हीं लोगों पे करती है जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और जो लोग मौजूद ही नहीं है उनके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू ही वहाँ पे नहीं है। जिसमें से कि सबका यही बोलना है, अधिकतर लोगों का वहाँ पे, कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस में चीज़ें हुई हैं। बसंती के साथ बदतमीज़ी की जा रही थी, गाली गलौज किया जा रहा था, जब उनके भाइयों ने ये सब चीज़ें सुनी तो बच बचाव में ये सब चीज़ें हुई। अच्छा, बसंती ने भी अपनी वीडियो में ना एक चोट दिखाई है कि मेरे भी चोट लगी है, तो ये चोट शायद पहले इन्होंने भी नहीं दिखाई। इनके भी पहले जो वीडियो आई थी उस वीडियो में तो चोट का कुछ भी जिक्र नहीं था, अचानक से इनकी भी चोट दिखी है। तो चोट तो मुझे दोनों की समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सी चोटें थी, कि जिस दिन चोटें लगी उस दिन सब
हट्टे कट्टे ठीक थे, और जिस दिन सब ख़त्म हो गया 2 दिन के बाद सबकी चोटें ताज़ा हो गई। तो ये चोट वाला सिस्टम तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग किसी का भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बुरा लग रहा है उस पिता के लिए जिसको इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वो बेचारे अपनी दवा दारू के लिए तो हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हैं, है, और आज इस उम्र में उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके बेटे बहुओं में ही, उनके बच्चों में ही आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कितनी बुरी बात है और कितनी गलत बात है कि अगर ये कोई छोटा मोटा झगड़ा था तो ये घर की चार दीवारी में सॉर्ट हो सकता था। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि इन लोगों के बीच में झगड़े हो। जो लोग इनके पहले के व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता होगा कि इनके झगड़े किस किस लेवल तक पहुँचे हैं, किस किस लेवल तक गए हैं। लेकिन आज अगर ये छोटी मोटी बात थी धक्कम धुक्की की और ये सॉर्ट हो सकती थी, तो इसमें कोर्ट कचहरी, बूढ़े इंसान को परेशान करना और अब उसके ऊपर हावी होना, ये सब चीज़ें समझ से बाहर है जो कि देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं। और अगर अनीता जी और लाला जी झूठे साबित हो जाते हैं और उन्होंने ये सब चीज़ें झूठे बोली हैं, तो सच में लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और अगर बसंती झूठी प्रूव हो जाती हैं कि बसंती ने ये सब चीज़ें झूठ बोली हैं, तो बसंती के ऊपर अभी तक जितनी भी सिंपथी है सबकी, वो सिंपथी वो गंवा देगी। क्योंकि अगर मारपीट की बात हो रही है कि बसंती को भी मारा पीटा जाता था, आखिर बसंती को मारता कौन था? क्या उनके जेठ यानी कि लाला जी? लेकिन लाला जी का स्वभाव से तो लगता नहीं कि उन्होंने कभी मक्खी भी मारी होगी कि वो किसी इंसान को मारेंगे, है ना। पर अगर लाला जी ने ये चीज़ें करी हैं और उन पर हाथ उठाया है तो ये बहुत 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 गलत बात है। लेकिन अगर लाला जी ने हाथ नहीं उठाया है और बसंती सिर्फ अपने बच बचाव में ये चीज़ें झूठ बोल रही है, तो भी ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है कि आप अगर अपने को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो तो वो चीज़ें गलत है। अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती की माफ़ी भी मांगी जा सकती है, उस चीज़ को माफ़ी मांग के भी सॉर्ट किया जा सकता है। बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर अनीता जी और लाला जी ने ये ठान लिया था कि उनको एक्शन लेना है, तो उनको ये 2-3 दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, उनको तुरंत ही तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन इनके घर में एक सीसीटीवी कैमरा भी है, जिस सीसीटीवी कैमरे के लिए दीपक के टाइम पे भी बहुत हुई थी, कैमरे में सब कुछ है, कैमरे में सब कुछ है, कहाँ है सीसीटीवी की वो फुटेज? क्या ज़रूरत है दादाजी के स्टेटमेंट की? क्योंकि दादाजी के स्टेटमेंट की वैल्यू वो सीसीटीवी फुटेज क्या कर सकती है? चैलेंज कर सकती है, क्योंकि उस फुटेज के अंदर सब कुछ होगा। अगर वाकई में लाला जी को घसीटते हुए लेके गए हैं और अनीता जी को घसीटते हुए लेके गए हैं, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई होंगी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई होंगी। और इतना ज़्यादा क्या प्रोवोकेशन था कि किसी को घसीटने तक की नौबत आ गई? या फिर ऐसी चीज़ें थी कि ज़बरदस्ती में हिल नहीं रहे थे, या कभी कभी क्या होता है इंसान एक जगह पे अड़िग हो जाता है तो उसको उस जगह से हिलाने के लिए कि खिसको खिसको, या चीज़ें ये हुई। अब एग्जैक्टली वहाँ पर सीन क्या हुआ होगा, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों को ही इस बारे में पता होगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कोई भी पिता, मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चे को पिटता हुआ देख सकता है, वो स्टैंड लेगा। अगर उसको लग रहा है कि उसका बच्चा बेमतलब का पिट रहा है और पिटाई हो रही है और इस हद तक हो रही है कि जान मान की बात आ रही, क्योंकि जान मान की ही बात करी गई है यहाँ पे, यहाँ पे छोटे मोटे झगड़े की बात नहीं करी, यहाँ पे धक्का मुक्के की बात नहीं करी है, यहाँ पे सीधे सीधे अनीता जी की फैमिली ने ये एलिगेशन लगाया है कि कुएं में गिरा रहे थे, कुएं की तरफ धकेल रहे थे, घसीट घसीट के मारा पीटा है। ये पूरा का पूरा एलिगेशन उन्होंने, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अपनी वीडियो में दिया है। तो अगर इतना मेजर झगड़ा हो रहा था कि उनके बेटे को कुएं में धकेला जा रहा था, तो क्या एक बाप अपने बेटे को मरता हुआ देख सकता है? चाहे वो दुनिया का कितना भी गंदा बाप हो, मरते हुए तो अपने बेटे को कोई नहीं देख सकता ना। लेकिन वो बाप अभी भी अगर ज़ुबान नहीं खोल रहा है, इतना उनको बोला कसम खाओ ये करो वो करो, पर दादाजी अभी भी अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली दादाजी ने भी इन लोगों के लिए कुछ गलत तो देखा होगा कि इन्होंने भी कुछ गलत किया है, कुछ प्रोवोकेशन किया है। वरना अपने बच्चे के लिए कौन स्टेटमेंट नहीं देता? हर कोई देता है अपने बच्चे के लिए स्टेटमेंट, अपने बच्चों से बढ़कर तो नहीं होंगे ना उनके लिए बसंती के भाई,
वो तो नहीं होंगे ना बढ़कर उनसे। तो अगर उन्होंने सच में इतनी मार कुटाई करी है तो दादाजी बोलते, अब बोलना चाहिए। और अगर नहीं करी है, सिर्फ इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया है जस्ट कि दादाजी परेशान हो, बसंती परेशान हो, अब बसंती के भाई परेशान हो सिर्फ बसंती को टारगेट करने के लिए, तो भी ये बहुत गलत हो रहा है। अब इस पूरे सीन में देखते हैं कि पुलिस के हाथों में केस चला गया है, वो इस चीज़ पर क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अभी वन साइड का वीडियो आया है और उस वीडियो के बेस पे हमें यही देखने को मिला कि दादाजी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। जिन लालाजी की आवाज़ हमने आज तक नहीं सुनी थी, आज उनकी आवाज़ के भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और तो और पड़ोसियों के साथ किस तरीके से बिहेव हो रहा है वो भी देखने को मिला, क्योंकि ये वीडियो बसंती जी की है, वो वही हिस्सा दिखाएंगी जिस हिस्से में वो लोग गलत दिखेंगे, है ना। उन्होंने इस हिस्से में अपने भाइयों को नहीं दिखाया कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। तो हो सकता है इसका आधा पार्ट इन्होंने शूट किया हुआ हो, अनीता जी की फैमिली ने शूट किया हुआ, तो वो भी डालेंगे। तो जब वो डालेंगे तब हमें बाकी का आधा पार्ट क्लियर होगा। अभी तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि राखी से दो दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए बवाल दो दिन बाद मचाया गया। दो दिन तक सब अपने अपने काम कर रहे थे, कोई डरावा नहीं था, ये हमने बिहारी माँ की वीडियो में देखा, सब अपने अपने काम कर रहे थे। उसके बाद अचानक क्या दिमाग में आया कि अचानक ऐसा लगा कि नहीं, इस पर तो पुलिस केस करना चाहिए, ये तो पुलिस की जगह पर ही जाना चाहिए और इन सब चीज़ों में सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लक्की भी ये बोल रहे थे कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, सबकी वीडियो बन रही है, सबको जाना पड़ेगा, सबको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। अब आप लोग बताना, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, आपके हिसाब से अभी तक आपको कौन सही लग रहा है, कौन सच्चा लग रहा है, कौन झूठा लग रहा है। जब तक पूरी कड़ियाँ सामने खुल के नहीं आ जाती तब तक किसी एक इंसान को भी गलत बोलना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने को डिफेंड कर रहे हैं। अगर पुलिस के हाथों में केस चला गया तो पुलिस डेफिनेटली इस चीज़ की जाँच पड़ताल करेगी और बयान देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए सबको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं इस लड़ाई का कहाँ पे एंड होता है, क्या सच सामने निकल के आता है, क्या झूठ निकल के आता है। जैसे जो भी अपडेट होगी आप सबके साथ चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।